गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड, हाउ आर यू ऑल? ओके, टुडे वी विल डू न्यू टॉपिक प्रोनाउंस. ओके, दिस इज योर लेसन नंबर 10 इन योर बुक प्रोनाउंस. ओके, लेट अस रीड दिस टू सेंटेंसेस. पिकू इज अ स्मॉल बॉय. पिकू गोज टू स्कूल. पिकू इज वेरी नॉटी. पिकू यहाँ पे कितनी बार यूज हुआ है? 3 times. ओके, पिकू इज अ स्मॉल बॉय. पिकू गोज टू स्कूल. पिकू इज वेरी नॉटी. अब ये बोलने में ही बहुत अजीब लगता है, बिकॉज वी आर यूजिंग द नेम अगेन एंड अगेन. पिकू पिकू. सो इंस्टेड ऑफ पिकू रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, व्हाट वी विल डू, वी विल राइट पिकू इज अ स्मॉल बॉय. अब यहां पे जैसे बॉय है तो हम बॉय के लिए ही लगाते हैं. ही गोज टू स्कूल. अगेन ही इज वेरी नॉटी. सो व्हाट यू अंडरस्टूड बाय दीज टू लाइन्स, दैट वी हैव रिप्लेस्ड पीकू विद ही. हमने पीकू की जगह ही लिख दिया. ही यहां पर क्या है? प्रोनाउन. पिकू यहां पे क्या है? नाउन. ओके, बिकॉज पिकू इज अ नेम ऑफ अ पर्सन. किसी पर्सन का नाम है. तो जो अब यहां पे भी पिकू दोबारा है तो ये भी नाउन हुआ. तो नाउन की जगह जो वर्ड्स यूज होते हैं हम उनको प्रोनाउंस बोलते हैं. ओके, वर्ड्स विच आर used in place of a noun are called pronoun. Okay, let us take one more example. Reena is intelligent. Is an intelligent girl. Reena studies in class 5. Reena lives in Hisar. So again we are using Reena, Reena and Reena. Again, and Reena is a noun here. Again noun. So we will write Reena is an intelligent girl. Instead of Reena writing again, dubara Reena likhne ki jagah Reena yahan pe girl hai, so we will write she studies in class 5. She lives in Hisar. To she ko humne replace kar diya Reena se. So she yahan pe kya hua? Pronoun. Okay. Now while doing pronouns you have to remember the following things. Pronoun जब आप करते हो आपको कुछ चीजें याद रखनी चाहिए. सपोज आप दो लोगों के बारे में बात कर रहे हो, सपोज दीपक एंड हार्दिक आर ब्रदर्स. दीपक एंड हार्दिक आर ब्रदर्स. तो दो के बारे में जब हम बात करते हैं वी यूज दे. ठीक है. सेकेंड थिंग इज दैट प्रोनाउंस आई यू ही शी दे हम तब यूज करते हैं when we are talking about things and animal on persons. ठीक है. आई यू ही शी दे हम तब यूज करते हैं जब when we are referring to things, animal and persons. Fine. दूसरी चीज है common pronoun कौन कौन से हैं जो बहुत common है. आई वी यू शी ही इट दे देम
हिम एक्सेट्रा बहुत सारे हैं. ओके अंडरस्टूड. अब एक चीज और है इसमें, यू ही एक ऐसा प्रोनाउन है जो आप सिंगुलर में भी यूज कर सकते हो और प्लूरल में भी यूज कर सकते हो. ठीक है, यू आप सिंगुलर सिंगल एक चीज के बारे में बात कर रहे हो तब भी आप यू यूज कर सकते हो, अगर आप प्लूरल के लिए बात कर रहे हो तो भी आप यू यूज कर सकते हो. अंडरस्टूड. नाउ इट हम यूज करते हैं, मैंने अभी आपको बताया, फॉर थिंग्स एंड एनिमल्स. ठीक है, इट हम यूज करते हैं थिंग्स और एनिमल्स के लिए. नाउ आई एम गिविंग यू टू एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइज ए एंड एक्सरसाइज बी. जस्ट गो थ्रू इट एंड डू दिस एक्सरसाइज इन योर नोटबुक. ये 10 है, यू कैन डू एनी 6. ओके, इसमें से आप सारे 10 करने की जरूरत नहीं है, कोई 6 अपनी चॉइस के आप कर सकते हो, बट दिस एक्सरसाइज ए यू विल डू फुल इन योर नोटबुक. और यू हैव एनी प्रॉब्लम्स और एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस लेसन, यू कैन ऑलवेज आस्क मी. थैंक यू.